आज हमारा तीसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होगी। हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं। इसका हम अभी कोई नाम नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊंचाई दी हुई है, भुजाएं कोई नहीं दी हुई है, तो ये भुजा ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे पी। पी पॉइंट पे हम जो है एक भुजा हमें दी हुई है, मैं पहले भुजा ले लेता हूँ। ये भुजा हमने हमें दे रखी है एच। हम क्या करेंगे, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसको गिराओ चाहे उठाओ। हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। सबसे पहले देखिए ऐसे 90 डिग्री का कोण तो आपको आता ही होगा, छठी में आप लोगों ने पढ़े हैं कोण। हम क्या करेंगे, इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जितना आपका एच है इतनी प्रकार खोलेंगे और पी से इस रेखा को काट देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सी। अब हमने समबाहु त्रिभुज बनाना है तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे, यहाँ से एक चाप लगा देंगे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट आ गया है यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और यहाँ से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, सॉरी यहाँ से हम 60 और इसके बाद हम इसको काट देंगे। ये 60 का बना है, अब इसके बाद हम इस रेखा को काटेंगे तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा इधर को। फिर हम यहाँ भी इधर को भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ से ये चाप हम इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ से इस चाप को हम काट देंगे। पहली जो चाप होती है हमारी 60 डिग्री की होती है और ये हमारी बन गई है 30 डिग्री का, हमारा ये कोण बन गया है यहाँ पे ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इन कोणों जो ये हमारे कोण बने हैं इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे ई, यहाँ पे दे देते हैं डी। ये डी पॉइंट है, डी को हम सी के साथ मिला देंगे ऐसे, डार्क मिलाएंगे। ये देखो यहाँ बन रहा है तो ये हमारा बन गया बी। अब जाके हमारा बी आया है और यहाँ हम C और E को मिलाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये हमारा बन गया A। अब ये हमारी तीनों भुजाएं समान होगी। मैं आपको बता दिखा देता हूँ कि क्या ये भुजाएं समान है या नहीं। ये देखिए मैंने A भी इतनी प्रकार खोली है, ये देखिए C भी इतना ही है, यहाँ से भी इतना ही, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया है जिसकी ऊंचाई दी हुई थी। अब हम जो है इन रेखाओं को मिटा सकते हैं, बाहर से इनको भी मिटा सकते हैं, इस रेखा को भी मिटा सकते हैं ऐसे। अगला जो चौथा प्रश्न हमारा है 7th क्लास का, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि आधार ए बी रेखा के समान आधार कोण ए के समान दिया है। क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ए बी आधार है, हम सबसे पहले ए बी आधार ले लेंगे ए बी। तो हमारे पास एक दिया हुआ है आधार कोण ए, तो हम क्या करेंगे एक कोण ले लेंगे आधार कोण। देखिए मैं यहाँ पे कोण ले लेता हूँ, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार खोल करके कौन ऐसे और यहाँ पे लाइन ये हमारा ए कौन जो होंगे। तो ये दो चीजें हमारे पास दी हुई थी, सबसे पहले हमने ये लेना होता है, दी हुई ए बी रेखा है और हमारे पास एक आधार कौन दिया हुआ है ए। और हम क्या करेंगे, जितना ये इधर को है ये इतनी चाप हम यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, इतनी
अपने ही प्रकार खोल के, जैसे हम यहाँ पे चाप लगाइए, जितना आपका ये है। अब हम क्या करेंगे, इतनी प्रकार खोल के हम जो है वो यहाँ पे भी ऐसे चाप लगा देंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, जितना आपका ये है ऊपर को, ये ध्यान रखना दी हुई चीज़ है तो इतना ही लेंगे हम। अपने मर्जी से यहाँ 60 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे, जितना ये दिया हुआ है इतना है, इतनी प्रकार खोल के हम जो है वो यहाँ पे चाप लगा देंगे और यहाँ पे भी चाप लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐसे लाइन लगा देंगे और यहाँ से भी हम लाइन लगा देंगे, ऐसे यहाँ से भी हम लाइन लगा देंगे। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी, लगा देंगे। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो बन के तैयार हो गया है। यह प्रश्न नंबर 4 आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यही प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा प्रश्न जो बन के तैयार। गृह कार्य में आपने दोनों प्रश्नों को अपनी ड्राइंग शीट पर अच्छे से बनाना है।